हेलो गाइज, आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं लैक्मे 925 सीसी क्रीम का। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इस क्रीम को यूज़ करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस क्रीम को कब और किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए। आज इस क्रीम के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आपने भी दफा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। सो जैसे कि आप अब देख सकते हैं हमारे पास आज लैक्मे 925 सीसी क्रीम है। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर इन्होंने इस क्रीम पे क्या क्या मेंशन कर रखा है। सो जैसे कि आप अब देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है लैक्मे 925 सीसी कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम। एंड गाइस इस क्रीम के प्राइस और क्वांटिटी की बात करें तो आप अब देख सकते हैं ये हमारे पास आज 9 ग्राम का पैक है और इसका प्राइस है 105 रुपये। और ये क्रीम आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से इजीली मिल जाएगी। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं आपको इस क्रीम को यूज़ करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और आपको इस क्रीम को कब यूज़ करनी चाहिए। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि आप इस क्रीम को रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। और गाइस ये क्रीम आपको इंस्टेंट मेकअप लुक देती है। ये क्रीम लाइट मेकअप के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। मतलब कि गाइस अगर आप ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करते हो तो आपको एक बार ये लैक्मे की 925 सीसी क्रीम जरूर यूज़ करनी चाहिए। ये क्रीम आपको लाइट वेट मेकअप लुक देने का काम करती है। गाइज आप इस क्रीम को किसी भी शादी या पार्टी में जाने से भी पहले यूज कर सकते हो। और जैसे ही आप इस क्रीम को अपने फेस पे लगाते हो तो इस क्रीम को लगाते ही आपका फेस काफी ज्यादा ग्लो नजर आने लगता है। गाइज बहुत सी हमारी ऑडियंस ये सोचती है कि इस क्रीम को केवल शादी या पार्टी में यूज करना चाहिए। सो गाइज मैं उनको बता दूं कि आप इस क्रीम को रेगुलर यूज कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गाइज अब बात आती है आपको इस क्रीम को दिन में यूज करनी चाहिए या रात में यूज करनी चाहिए। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि आप इस क्रीम को रात में भी यूज कर सकते हो और चाहो तो आप इस क्रीम को दिन में भी यूज कर सकते हो। गाइज अगर आप इस क्रीम को मॉर्निंग में यूज करते हो और इस क्रीम को लगाने के बाद आप सनलाइट में जाते हो तो ये क्रीम आपकी स्किन को सन से भी प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि ये क्रीम SPF 30 के साथ में आती है। गाइज अगर आप भी रेगुलर इजी तरीके से हल्का हल्का लाइट लाइट मेकअप लुक चाहते हो तो आप इस क्रीम को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। ये क्रीम आपको लाइट वेट मेकअप लुक देने में काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तो चलिए गाइस मैं आपको इस क्रीम का टेक्सचर भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके की टेक्सचर के साथ में ये क्रीम आती है। सो गाइस जैसे कि आप अब देख सकते हैं इस क्रीम का टेक्सचर हमें वैसा ही देखने को मिल रहा है जैसे कि आपको लैक्मे के फाउंडेशन का टेक्सचर देखने को मिलता है, वैसे ही आपको इस क्रीम का भी टेक्सचर देखने को मिल जाता है। तो चलिए गाइस अब देख लेते हैं कि आपको इस क्रीम को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। गाइस आपको इसी तरीके से डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे इस क्रीम को लगा लेना है और इस क्रीम को अच्छे तरीके से रब कर लेना है। गाइस जैसे ही आप इस क्रीम को अच्छे से रब करते हो तो ये क्रीम आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लेती है। गाइस आप चाहें तो इस नॉर्मल तरीके से आप अपने फेस पे इस क्रीम को लगा सकते हो या फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी इस क्रीम को अपने फेस पे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकते हो। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने हैंड पे इस क्रीम को अच्छी तरीके से लगा ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हैंड पे यहाँ पर काफ़ी लाइट लाइट मेकअप लुक नज़र आ रहा है और इस क्रीम को लगाने के बाद मेरा हैंड काफ़ी फेयर नज़र आ रहा है। गाइज बात करें इस क्रीम के साइड इफेक्ट की, सो मैं आपको बता दूँ कि आपको इस क्रीम के कुछ भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। आप इस क्रीम को टेंशन फ्री यूज़ कर सकते हो।